नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती जरूर है। ये लाइन मशहूर एक्टर इरफान खान की है। इरफान खान ने कुल 69 फिल्मों में काम किया, पद्मश्री जैसे कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, जब उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला हुआ तो वो झूठ के बदौलत हुआ, वो भी एक नहीं दो दो झूठ। जी हाँ, एक झूठ उन्होंने अपनी माँ से बोला कि NSD से पढ़ाई करने के बाद राजस्थान में उनकी लेक्चरर की नौकरी लग जाएगी। ये झूठ उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सच्चाई जानने के बाद शायद उनकी माँ उन्हें कभी जाने नहीं देती। उनकी माँ ने ये सुन के हाँ तो कर दिया। लेकिन दूसरा झूठ था जो इरफान खान ने NSD में कहा। जब वो एडमिशन लेने के लिए NSD पहुंचे तो एडमिशन के फॉर्म में उन्हें 10 नाटकों के नाम लिखने थे जिसमें उन्होंने काम किया हो, लेकिन इससे पहले उन्होंने सिर्फ 3 से 4 नाटकों में ही काम किया था। वो बात और थी कि इरफान खान किसी भी हालत में NSD में दाखिला लेना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने फॉर्म में 10 फर्जी नाटकों के नाम लिख दिए। और हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि किसी ने चेक तक नहीं किया और उनका NSD में दाखिला हो गया। इरफान खान को बचपन से ही फिल्मों से प्यार था, लेकिन उनके घर में फिल्म वगैरह देखने के लिए पूरी तरह से मनाही थी। ऐसे में इरफान खान के जो चाचा थे वो जब भी घर आते थे वो बच्चों को फिल्में दिखाने के लिए ले जाते थे। खैर, इरफान खान जब एक्टर बने तो वो अपनी माँ को एक फिल्म के प्रीमियर पर लेके गए थे। ये फिल्म थी नेमसेक। इस फिल्म की निर्देशक थी मीरा नैयर। जब फिल्म खत्म हुई तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तेरी डायरेक्टर कहाँ है। इरफान को लगा कि शायद उनकी माँ को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। उन्हें लगा कि उनकी माँ शायद डायरेक्टर के पास जाकर उनके काम की तारीफ करना चाह रही होगी। तो इरफान खान ने दूर खड़ी मीरा नायर की तरफ उंगली दिखाई और कहा कि वो खड़ी है मेरी डायरेक्टर। इरफान ने अपनी माँ से पूछा कि लेकिन हुआ क्या। इरफान खान की माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा ही बेटा मिला था क्या मारने को। दरअसल इस फिल्म के क्लाइमेक्स में इरफान खान की मौत हो जाती है। और खास बात यह है कि मीरा नैयर ने ही इरफान खान को सबसे पहले कास्ट किया था। उनकी कास्टिंग जब हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये जो खुशी थी वो अधूरी रह गई थी। दरअसल मीरा नैयर जब अपनी फिल्म सलाम बॉबी के लिए एक्टर की तलाश कर रही थी, तब एक दिन जब वो NSD पहुंची तो उन्हें इरफान खान दिखे। वहां वो अपने स्क्रिप्ट लेके अपने एक्ट की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मीरा नैयर ने इरफान खान को कास्ट करने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वो दोबारा NSD जाती हैं, उनको फिल्म का ऑफर दिया उन्होंने और इरफान खान ने बिना किसी देरी के झट से हाँ कर दिया। इस ऑफर के बाद इरफान कुछ दिनों के छुट्टी के लिए मुंबई भी गए। उस फिल्म की कहानी जो थी वो बच्चों के इर्द गिर्द थी, तो मीरा नैयर समेत बाकी की जो टीम मेंबर्स थे उन्हें भी ऐसा लगा कि इरफान खान बाकी बच्चों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही लंबे नजर आते हैं। इसी वजह से लीड रोल उनसे छीन लिया गया। हालांकि मीरा ने उन्हें छोटा सा रोल जरूर दिया, लेकिन उसे भी फाइनल एडिटिंग में काफ़ी काट दिया गया था। ये बात इरफान खान को बहुत चुभी और वो पूरी रात रोते रहे। वो काम करना चाहते थे, इसलिए इरफान छोटा सा किरदार निभाने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन वो भी कट गया। बाद में मीरा नैयर ने उन्हें नेमसेक में रोल दिया और उसके बाद इरफान खान को बॉलीवुड में क्या हॉलीवुड में भी काफ़ी रोल मिले। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान ने कैंसर के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनके बेटे बबील खान भी उनके ही नक्श कदम पर चल रहे हैं और बॉलीवुड में अपने काम से अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आने वाले और किस्सों के एपिसोड के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।